Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a program which is related to the sum of two matrices. So let's start. Starting from int main, सबसे पहले three matrices declare किए जाएंगे integer data type के, और ये arrays 2D arrays होंगी. Matrix 1, 3 into 3 square matrix, matrix 2, 3 into 3 square matrix, and sum matrix will also be 3 into 3. So 3 rows and 3 columns. And then I and j are the variables which will be used in the next for loops. So for loop mein sabse pehle hum I yani ke row declare karenge. Ke row 0. So row 0 है और less than equal to 2 है, क्योंकि 3 into 3 का matrix है, तो it means के 0 से 2 तक 3 बनेंगे, 0, 1 and 2. So सबसे पहले row 0 होगी और उसके बाद inner for loop आएगा जिसमें j की value 0 से 2 तक सारी execute होगी, यानी कि row 0 पर column 0, 1, 2 तीनों values use होंगी. Suppose यहाँ पर अगर मैं इसको comment करूँ, so ये row 0 है और अब इस रो 0 में कॉलम 0, 1, 2 हैं, तो मैं ये जो 0 कॉलम है इसमें मैं जो भी वैल्यू एंटर करूंगा वो स्टोर होगी, फिर इसी तरह स्पेस, फिर कॉलम 2, रो 0 ही है लेकिन कॉलम 2 है, इसमें जो वैल्यू स्टोर करूंगा वो होगी, इसी तरह कॉलम 3 में जो वैल्यू स्टोर करूंगा वो स्टोर होगी. सो जब ये तीनों वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, you can see that's enter matrix 1 और इसमें i plus 1 और j plus 1 है, ताकि user के लिए उसमें row सही exact rows को मिले, कि 0 पर उसको row show हो के enter matrix 1 number 1 and 1, ताकि उसको clearly पता चले कि row 1 पर और column 1 पर एक value enter करे. actual में वो क्या है, हमारे compiler के लिए क्या है, row 0 है और कॉलम भी 0 है, फिर इसी तरह रो 0 ही रहेगी और कॉलम 1 रहेगा. और यहां पर cn मैट्रिक्स i एंड j, यानी कि यहां पर रो और यहां पर कॉलम, j कॉलम को इंडिकेट कर रहा है. सो इन द नेक्स्ट लूप, अब इसी तरह से मैट्रिक्स 2 के लिए भी यूज होगा, और इसमें भी पहले रो 0 होगी और रो 0 में कॉलम 0, 1, 2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसमें वैल्यूज ली जाएंगी, फिर इसी तरह से रो 1 हो जाएगी और फिर से 0, 1, 2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर रो 2 होगी और उसमें भी 0, 1, 2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा. इसी तरह से क्या हो रहा है कि हर एक रो पर 3 कॉलम की वैल्यूज एंटर हो रही हैं, तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 भी, मैट्रिक्स 2 भी. अब दो मैट्रिसेस स्टोर हो चुके हैं, अब हमने उनका सम करना है. सो अगेन फॉर लूप यूज होगा और इसमें फिर से i की वैल्यू 0 से 2 तक एंड इनर लूप होगा जिसमें j की वैल्यू 0 से 2 तक. सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सम, इसी लाइन के थ्रू सम हो रहा है. सो सम मैट्रिक्स में फर्स्ट तो ये है कि सम मैट्रिक्स में वैल्यू स्टोर होगी. सो मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2, अब यहां पर हमें डिसाइड करना है कि यहां पर इसके सबस्क्रिप्ट्स में कौन से वेरिएबल्स आएंगे, आइदर j j आएगा, i j आएगा. सो हम देखते हैं कि सम जब भी किया जाता है तो उसमें जो भी रिस्पेक्टिव उसका रो और कॉलम है वो रिस्पेक्टिव रो ऑफ कॉलम के साथ ऐड किया जाता है और उसको उसी रिस्पेक्टिव उसी पोजीशन पर उसको स्टोर किया जाता है. यानी सपोज एक मैट्रिक्स का रो 0 है और कॉलम 0 है, या अगर वैसे हट के बात की जाए तो उसकी हम जो यूज़ करते हैं उसमें हम उसको रो 1 से इंडिकेट करते हैं, तो रो 1 और कॉलम 1 पर अगर दो मैट्रिक्स हैं, कि एक मैट्रिक्स में रो 1 और कॉलम 1 है और उसमें वैल्यू है 3, इसी तरह से रो 1 और कॉलम 1 दूसरे मैट्रिक्स का है और उसमें वैल्यू है 4, सो उन दोनों पोजिशंस पर जो 3 और 4 वैल्यूज़ हैं उनको ऐड किया जाएगा 7, और उस पर जो उसको जो नेक्स्ट न्यू मैट्रिक्स में स्टोर किया जाएगा उसकी भी रो 1 ही होगी और कॉलम 1 ही होगा. सो दैट्स व्हाई यहां पर आई जे सम मैट्रिक्स में भी लिखा गया है और मैट्रिक्स 1 में भी, एंड सिमिलरली फॉर मैट्रिक्स 2 भी. एंड अगेन अब जो मैट्रिक्स सम मैट्रिक्स स्टोर हो चुका है उसमें जो वैल्यूज उनको डिस्प्ले किया जाएगा. सो व्हिच इज वेरी सिंपल के i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 0, 1, 2 में अब इन सी इन नहीं करवाई जा रही बल्कि सी आउट करवाई जा रही है, और वो भी सम मैट्रिक्स की वैल्यूज को सी आउट करवाया जा रहा है. अब यहां पर जो क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, तो इट मींस के इनर फॉर लूप में सिर्फ ये स्टेटमेंट आती है, और जैसे ही एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी तो उसके बाद क्या है, एक लाइन
एंड होगी ताकि हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म डिस्प्ले हो जाए. सो उसके बाद रिटर्न जीरो एंड द प्रोग्राम मेन प्रोग्राम एंड्स. सो नाउ वी रन दिस प्रोग्राम एंड वील गिव सम वैल्यूज. वेट फॉर द प्रोग्राम टू कंपाइल. सो अब आप देख सकते हैं कि 1 1 पर मुझे वैल्यू एंटर करनी है. सो आई एंटर 1 2 3 4. नाउ फॉर मैट्रिक्स 2. सो नाउ यू कैन सी 2 4 6. मैंने दोनों जो 1 1 इंडेक्सेस हैं उन पर 1 1 वैल्यू एंटर की थी तो यहाँ पर 2 हो गया. देन 2 2 एंटर की थी तो 4 6 8 10 12 14 16 18. सो यू कैन सी ये मैट्रिक्स की फॉर्म है. लिटिल बिट इसमें अलाइनमेंट इसलिए डिस्टर्ब्ड है क्योंकि यहाँ पर दो नंबर्स हैं और ऊपर एक नंबर है. सो यू कैन एडजस्ट इट इजीली. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू आर स्टिल एनी कन्फ्यूजन यू कैन लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस. थैंक यू.